यार ट्रैवलिंग जो होती है ना, इट्स ऑल अबाउट लीविंग योर कंफर्ट जोन एंड सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। और इसी तरह कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने हम निकल पड़े इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह कभी ना दिल से निकलने वाली जगह जिसका नाम कश्मीर। कश्मीर गए हुए ऑलमोस्ट हमें 5 महीने हो चुके हैं, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। कश्मीर में हमारा सबसे पहला स्टॉप था श्रीनगर। डल लेक जो श्रीनगर की खूबसूरती को और बढ़ाता है, और हम भी सबसे पहले यहीं पहुंचे। हम डल लेक आ तो गए, मगर आते आते इतना लेट हो गए कि जो फोटोज और वीडियोस के बारे में हमने सोचा था वो अंधेरे की वजह से शूट नहीं हो सकती थी। तो हमने सोचा कि अगले दिन फिर यहीं आएंगे। अगले दिन सुबह हम बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि आज हम जाने वाले थे श्रीनगर से गुलमर्ग, वो भी बाइक पे। यार इस रास्ते पे बाइक चलाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और ऊपर से ये बारिश। यार मेरी मानो तो आपको भी लाइफ में एक बार इस रास्ते पे बाइक पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। गुलमर्ग में एशिया का सबसे हाईएस्ट केबल कार है। इस केबल कार को गंडोला राइड भी कहते हैं। अगर तो आपको इसकी टिकट ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले करें। हमें इस भाई ने एमरजेंसी में टिकट निकाल के दी गंडोला की। मेरा नाम है बशीर भाई, मैं कश्मीर से। ये कश्मीर से हमारा भाई। हमने तो अपनी टिकट उसी टाइम ली, बट आप ऐसा मत करें, जितना प्री प्लान होके आएंगे आपका ट्रिप उतना ही अच्छा जाएगा। गाइस आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब रब को नहीं, मतलब हाई लेवल। उधर साइड पाकिस्तान। मुन्नी मेरी जान, मुन्नी कबड्डी होगी वापस लाइन चले। बीस मिनट लग जाएंगे। थैंक यू। वाटरफॉल के सिनेमैटिक शॉट अभी हमने भी नहीं देखा, वाटरफॉल कैसा वहां जाके पता लग गया, क्योंकि एक अंकल ने हमें बताया कि इतना खास नहीं है। अगर सच में खास नहीं हुआ तो हम सोच रहे हैं कोई अच्छी सी घाटी घूटी देख के ना सलाख लगा देंगे नीचे। आज का पूरा दिन हमने गुलमर्ग में बिताया। अभी तो और बहुत जगह बाकी हैं, जो कि हम अगली सुबह जाने वाले हैं। तो आज हम निकले हैं श्रीनगर के कुछ लोकल पॉइंट्स एक्सप्लोर करने, जिसमें हम सबसे पहले पहुंचे हैं श्रीनगर के हाईएस्ट लोकेटेड टेंपल, श्री शंकराचार्य टेंपल।
हमें जैसे ही पता चला मंदिर की थोड़ी सी दूरी पर कश्मीर के कुछ फेमस गार्डन्स हैं, उनमें से हम सबसे पहले परी महल के लिए निकले। अचल चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थाला माप तो होना है वही जब नाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थाला माप तो होना है वही जब नाए जाना। सुबह से घूमते घूमते दोपहर हो चुकी थी और हमें लग चुकी थी काफी भूख, इसलिए हमने सोचा पहले खाना खाते हैं बाकी सब बाद में। खाना बहुत ही टेस्टी था। अपनी और अपने फोन्स की बैटरी चार्ज करके हम सीधा आए बोटनिकल गार्डन। एहजार को भी ताली की किधरे बखानो तुमा नारा खार प्रेमरे तुमी कलंक पीली बोए बोए। एहजार को भी ताली की। श्रीनगर में काफी जगह घूमने के बाद भी कुछ मिसिंग लग रहा था और वो थी डल लेक की शिकारा राइड। पहले दिन अंधेरा होने की वजह से जो कि अधूरी रह गई थी। अच्छा, ये वाला सफेद वाला बोट। हाँ अच्छा। हाँ, इसी के अंदर बन गया गुलगुलशन गुलफॉर्म सीनर फिल्म। अच्छा, फिल्म बनी थी। सीनर फिल्म बनाया गया इसमें। अच्छा, गुलफॉर्म में। रुपया रूम का रेट है इसका, एक दिन का लंच डिनर इंक्लूडेड। इंक्लूड सब, और ब्रेकफास्ट वेबकास्ट सब, शिकारा इंक्लूड। अच्छा ठीक है, समझ गए। सब घुमा के भी लाएंगे आगे, वो नजर में आता ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। ये है कश्मीर की डल लेक। जन्मदिन के लिए केक तो हमने ले लिया था, पर फिर भी हम एक चीज भूल गए। माचिस है, माचिस माचिस माचिस। डल लेक में जन्मदिन मनाने के पहलगाम में हम कोई रिवर साइड होटल की तलाश में थे। हाँ जी, पहलगाम अभी पहुंच चुके हैं, सानू रूम मिल चुके हैं, बहुत सोना रूम है। ओले। ओके। व्यू देख रहे हो? व्यू देख रहे हो? देख रहे हैं, देख रहे हैं। व्यू व्यू ही तो देखने आए ना। ऑर्डर करते लंच, ऑर्डर कर दो फिर। ज्यादा नहीं रखो। अभी घूमने जाएंगे है ना, चलो निकलिए। कभी ना जाए सहलाए, संभालो हमको, सब
बेताब वैली। ये पहलगाम की फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। पैदल नहीं जा सकते हैं। जाना है ना, अगर जाना है तो घोड़ा रेडी है। नहीं नहीं पैदल नहीं जा सकते हम। कसम से 2400 पैसा से एक पॉइंट का हम चीज़ पकड़ के ऊपर आ गया। बॉलीवुड की काफी फिल्मों की शूटिंग इस जगह पे हुई है। इतने ही टाइम में हमारे कुछ कश्मीर के दोस्त हमें पहलगाम घुमाने के लिए लेने आ गए। ओ यार और भाई जय भाई शुक्रिया आप यार हमें घुमाने के लिए इधर आए इतनी दूर से। ओ यार व्यू क्या आस फूस पर लौट रहा हूँ धसा धसा जाता हूँ जीवन का साचो कैसा धसा धसा जाता हूँ घास फूस पे लौट रहा हूँ रोल रोल कर चलना रोड बड़ी है रफ जीवन की फूक फूक कर चलना टैक्सी करके आया जहाँ 3D सपनों का झरना यहाँ पे घूमते घूमते नेचर से मेरा लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ तो बात है कश्मीर। ब्रोकन दिल पे जॉइंट लगा ले दुनिया फ्लावर पॉट दिखे चढ़ा जो पर्वत की चोटी पे मुझको भोलेनाथ दिखे यहाँ ब्रीज बहुत है ठंडी 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 ठंडी। कश्मीर ट्रिप के खत्म होते होते ही हमने ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस भी कर ही लिया।